नहीं थम रहा भेड़िए का अटैक। 2.5 साल की बच्ची बनी भेड़िए का निवाला। बुजुर्ग महिला को पंजा मार कर किया जख्मी। पूरे 5 दिन और 5 रात बहराइच में भेड़िए की दहशत का कोई सबूत नहीं मिला। जिस्म को फाड़ देने वाले दांतों ने 5 दिन तक किसी का शिकार नहीं किया। बहराइच वालों को लगा कि अब शायद 4 पैर वाले आदमखोर का आतंक थम गया। लेकिन आदमखोर ने अगस्त की आखिरी रात ऐलान कर दिया कि सितंबर की शुरुआत उसके खौफ से होगी। 1 सितंबर की रात 2 जगह भेड़िए ने अपने हमले से फिर से दहशत फैला दी। बीती रात भेड़िए ने फिर से 2 घटनाओं को अंजाम दिया। पहले 60 साल की बुजुर्ग महिला को पंजा मार कर जख्मी कर दिया। उसके बाद 2.5 साल की मासूम अंजलि को भेड़िए ने निवाला बना लिया, जिसका शव उसके घर से 1 किलोमीटर दूर क्षत विक्षत हालत में बरामद हुआ। पहली घटना रात करीब 12 बजे की है, जबकि मासूम को शिकार बनाने की दूसरी घटना सुबह तड़के 4 बजे की है। फिलहाल हमले में घायल महिला को इलाज के लिए पास के अस्पताल में भर्ती करा दिया गया है। जानकारी के मुताबिक घायल महिला महसी के 12 बिघा गांव की रहने वाली है, जबकि मासूम अंजलि महसी इलाके के गरेठी गुरदत्त सिंह पुरवा की थी। वहीं इस घटना के 1 दिन पहले ही खूनी भेड़िए ने 2 लोगों पर हमला किया था। 7 साल के मासूम और 1 शख्स को पंजा मार कर घायल कर दिया था। ये दोनों हमले 31 अगस्त की रात 2 बजे की और सुबह 3:45 पर हुए। दोनों ही घायलों को सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र महसी में इलाज के लिए भेज दिया गया था। इन घटनाओं को लेकर बहराइच के महसी इलाके में दहशत का माहौल है। दहशत और डर का अंदाजा आप इस बात से लगा सकते हैं कि खूंखार भेड़िए पिछले कई महीनों में 9 मासूम सहित 1 महिला को अपना शिकार बना चुके हैं। आदमखोर भेड़िए अब तक 50 लोगों को घायल भी कर चुके हैं। टाइमिंग के हिसाब से यह अंदेशा जताया जा रहा है कि बहराइच का भेड़िया रात के अंधेरे में निकल रहा है, अंधेरे में ही शिकार कर रहा है और अंधेरे में ही खून बहा रहा है। ऐसे में बड़ा सवाल ये है कि आखिर कब तक बहराइच में भेड़िए का ये खूनी खेल जारी रहेगा। For exclusive and insightful videos, subscribe to our new channel ABP Live Premium.